अस्सलामुअलैकुम साहब, सब किस तरीके से देखते हैं आज ये इवेंट हो रहा है फुटबॉल का? अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तरीके के इवेंटों को हमेशा उजागर किया, इन बच्चों के मुस्तकबिल, आपकी सरपरस्ती में इस तरीके के टूर्नामेंट में किस तरीके से टूर्नामेंट को देखते हैं आप? देखिए जी, इस तरह के टूर्नामेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, पूरे कराची में हो रहे हैं, और हर जगह पे पाकिस्तान जो हमारे जिम्मेदार हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मार्च कोर्ट में बशीर भाई बशीर गोज साहब की सरपरस्ती में टूर्नामेंट चलाया जा रहा है, इसका सारा स्पॉन्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और इसके अलावा मुशरफ कॉलोनी 500 क्वार्टर, हारीपुर, सज्जनगोड, असनगोड, यूसुफगोड, वॉलीबॉल, हर जगह पे फुटबॉल के टूर्नामेंट चल रहे हैं ताकि लोगों को हम फुटबॉल के स्पोर्ट्स की तरफ मायल कर सकें और उनको हेल्दी एक्टिविटी हम दें। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारी जो नस्ल है, जो अक्सर आपने देखा है कि जो नशे में लगी हुई है, उसको एंटरटेन करने के लिए हम चाहते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट मजीद भी हो, पहले भी हमने कराए हैं और आगे भी कराए। सर, दूसरी बात यह है कि अक्सर हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आपने डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी हो या वेस्ट हो, जिस तरीके से आपने वर्क किया, काम किया, आपने मेहनत की, यहाँ के ग्राउंड पे आपने काफ़ी तवज्जो दी, यहाँ के जितने भी टीम हैं, जितने भी मतलब खिलाड़ी हैं, सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या चाहते हैं कि इस तरीके के मजीद इवेंट, बड़े इवेंट ग्राउंड में होने चाहिए, बड़े लेवल के, हाई लेवल के? बिल्कुल, पहले भी हमने कराए और मजीद भी कराएंगे, और ये तो हमारे हर 3-4 महीने के बाद इस तरह के इवेंट होते हैं, रमजानों में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और रमजानों में जैसे कि लोग इबादत में भी करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, सहरी तक ये फुटबॉल खेलते हैं, उसके बाद सहरी करके नमाज पढ़ के सो जाते हैं। तो हमारे ये सारे लोग माशाल्लाह बिजी रहते हैं रमजानों में, और हमारी कोशिश है कि पूरे हर इलाके में इस तरह के इवेंट होने चाहिए। अच्छा सर, ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं जो फुटबॉल के हवाले से, इनके बारे में कल के लिए मुस्तकबिल के लिए डिपार्टमेंटल की कोई पोस्ट हो, कोई जगह हो इनके लिए अच्छी सी, वहाँ जाएं या मुख्तलिफ टीमों के लिए खेलें? देखिए जी, अलहमदिल्ला हमारे पास पहले भी मारीपुर से स्वीट चाइल्ड की टीम गई थी, यहाँ से 7 प्लेयर मारीपुर के थे और वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, वो अमेरिका से को भी हराया उन्होंने। तो इस तरह के टैलेंट हमारे पास मौजूद है और काफ़ी डिपार्टमेंटल प्लेयर भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा दौर में क्योंकि डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया तो वहाँ पर प्लेयर नहीं ले रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट दोबारा स्टार्ट हो और बाकी हुकूमत की तरफ से अगर इस पर काम हो तो इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि मार्च कोर्ट के, मारीपुर के, बल्दिया के, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और क्यामाड़ी के काफ़ी बच्चे इतना टैलेंट मौजूद है कि वो डिपार्टमेंटल प्लेयर बन सके। शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी जी। ये थे इज़्ज़त माप मोहतरम जनाब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट किमाड़ी सदर MPA सूबाई वजीर कच्ची आबादी लियाकत अली अस्कानी साहब, आपकी बातें आपने सुनी। यकीनन आप लोगों ने ये चीज़ महसूस किया होगा कि जिस तरीके के इवेंट हो रहे हैं, जिस तरीके के बच्चे खेल रहे हैं। 9 मिनट तक हमारे इंतहाई काबिले एहतराम वाइस चेयरमैन हाजी परवेज अहमद दोदा साहब, सर आप किस तरीके से इस रंगारंग इवेंट को देख रहे हैं आज के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए? रमजान के महीने में अक्सर डी गोली के टूर्नामेंट होते थे, हम लोग भी जब अपने बचपन में जो है रमजान में पूरा रमजान इसी फुटबॉल के टूर्नामेंट में खेलते थे। इसके बाद बशीर भाई ने माशाल्लाह पूरा मौजकोट को सजाया, क्योंकि गनी स्पोर्ट की जो टीम है असम खास के लिए की मौजकोट की सबसे मशहूर टीम थी, लेकिन वो बैड लक हो गया कि सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट रमजान में इंशाल्लाह फाइनल खेलेगी यहाँ से, क्योंकि असम खास के लिए यहाँ का वाइस चेयरमैन भी है और इनको बड़ा फुटबॉल का शौक है बशीर भाई को माशाल्लाह। तो बशीर भाई और लियाकत भाई की सरबराही में यहाँ पे टूर्नामेंट का इवेंट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह हर साल रमजान में हम यही टूर्नामेंट करेंगे। सर, अक्सर हमने देखा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट को काफ़ी सपोर्ट करते हो, क्रिकेट हो या कि फुटबॉल हो या और जितने भी मतलब खेल हैं, हमने देखा कि बड़े बड़े जितने भी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, वो आपके पास आते हैं, आपके दोस्त हैं, आपसे मिलते हैं उनसे, बकाया जो बल्दिया टाउन हो या कि किमाड़ी हो, वेस्ट हो, इनसे के खिलाड़ियों का काफ़ी हौसला बंद है। आने वाले मुस्तकबिल में सर क्या देखते हैं कि इंटरनेशनल जो हमारे फुटबॉलर हैं उनको आप यहाँ विजिट करवाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करेंगे, क्योंकि हम खुद लियाकत भाई जो है वो फुटबॉल के, क्रिकेट के शौकीन हैं, मैं भी खुद फुटबॉल और क्रिकेट बहुत खेला हूं, तो इस वजह से हमें शौक है कि हम फुटबॉल और क्रिकेट को जितना हो सकता है, क्योंकि जब फुटबॉलर होता है या क्रिकेटर होता है वो बेचारा बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमने खुद ये सफ़र किया है तो हमें इस चीज़ का एहसास है, इसीलिए मैं हर जगह पर जाता हूँ तो फुटबॉल और क्रिकेटरों की सपोर्ट करता हूँ। शुक्रिया सर।